सो हेलो एवरीवन, आज आपका लेक्चर जो है हम इंग्लिश में देने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश टू का जो है फर्स्ट सिलेबस है आपका, अकॉर्डिंग टू 10th प्रेस्क्राइब जो 2025 का सिलेबस आया है आपके आईसीएसई ऑफिशियल साइट पे, उसके हिसाब से पोएट्री का पहला चैप्टर जो आने वाला है वो है हॉन्टेड हाउस। ठीक है, वो चैप्टर 11 है आपके बुक में। चैप्टर 1 to 5 तो आपके क्लास 9 में आ चुका है, राइट। और चैप्टर 6 to 10 पता नहीं कहाँ पर आएगा, वैसे तो दिया नहीं गया है कुछ। ठीक है, और फिर चैप्टर 11 से चैप्टर 15 जो है वो आपका 10th का सिलेबस, मतलब 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 चैप्टर्स आपको पोइट्री के करने हैं 10th के सिलेबस में। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से ये 5 चैप्टर से ही ये 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम शायद 6 क्वेश्चन होता है, 6 में से आपको एनी 5 करना होता है। ठीक है, तो 2 तो आपके जूलियस सीजर के होते हैं, 2 आपके पोएट्री के होते हैं और 2 आपके शॉर्ट स्टोरी के होते हैं। तो पोएट्री में जो 2 क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स ईच, 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो ये 5 लेक्चर है, मतलब 5 जो है चैप्टर है, ये 5 चैप्टर से ही आपके 2 ठो एक्सट्रैक्ट आएंगे। और ये दोनों में से आपको 2 भी कर सकते हो या फिर 1 तो करना कंपल्सरी है, राइट। तो आपके ये 5 जो है जनरली चैप्टर्स हैं, इसमें से पहला चैप्टर क्या है, हॉन्टेड हाउस। तो ये हॉन्टेड हाउस के बारे में आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये कहानी किस प्रकार है, थ्रिल, घोस्ट, ये सब आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब चीज के बारे में। हाँ, आपको डर भी लगता है क्या बहुत ज्यादा भूत से? अभी नहीं बोलते हो, जब आएगा सामने तो अपने पैर गीला हो जाएगा, है राइट। तो वो बहुत लोग बोलते हैं कि वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है, हम डरने वाले से नहीं है, हम डराने वाले में से हैं, ठीक है, लेकिन खुद डर जाओगे टाइम आने पे, ओके। लेकिन यहाँ पर जो भूत के बारे में हम बात करेंगे ना, वो हमारा दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर जो भूत है वो हमारा दोस्त है, यहाँ पर जो पॉइंट भूत लेके आए हैं वो हमारे क्या हैं, मित्र हैं, राइट। तो क्या है ये चैप्टर में, किस तरीके से हम लोग जो है जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं पोएट, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस पोएम इज रिटन बाय क्या, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। ठीक है, ये पोएट का नाम है एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, ये जो है पोएम ने लिख ये पोएम उन्होंने ही लिखा। ठीक है, वो जाने जाते हैं अपने थ्रिल सस्पेंस उस तरीके के ही पोयम वो लिखते हैं। ठीक है, तो वो जाने जाते हैं उस चीज के लिए। द पॉइंट वांट टू कन्वे अस दैट घोस्ट आर हार्मलेस। वो पोयम में स्पेसिफिकली ये पोयम में वो बताना चाहते हैं कि जो घोस्ट होते हैं, जो भूत होते हैं, वो क्या है, हमें कष्ट नहीं देते, दे डोंट हर्ट अस, दे आर हार्मलेस, वो बोल रहे हैं। ठीक है, कि जो भी घोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो कोई भी जो है कष्ट नहीं देता है। ठीक है, अपने जहां पर वो रह रहे हैं, वो घोष जहां पर रह रहे हैं, ठीक है, वो शांति से रहते हैं, मतलब ओके, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते, हार्म क्रिएट नहीं करते लोगों को। द पॉइंट टेक द फॉर्म ऑफ स्पीकर हियर इन दिस पोयम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो मैंने लिखा है, ये भी पैरहैप्स है। ठीक है, हम लोग को स्पीकर पता नहीं है कि कौन स्पीकर है ये पोयम का। तो यहाँ पर एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो क्या है, अपने आप को शायद मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी बताया नहीं गया है ये पोयम में कि ये पोयम के स्पीकर है कौन। ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्पीकर का पोयम कौन, ये जो पोयम का स्पीकर कौन है, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो वो खुद है। ठीक है, और वो जो है ही ट्रीटेड हिमसेल्फ एज अ घोस्ट। ठीक है, वो अपने आप को क्या है, एक घोस्ट के जैसा बताए हैं। ठीक है, जो नरेट करते समय वो अपने आप को क्या आप समझ लिए, एक घोस्ट जो बाकी भूत को देख सकते हैं, हु कैन सी अदर घोस्ट रोमिंग इन दी हाउस, क्योंकि एक भूत को कौन देख सकता है, एक दूसरा भूत ही देख सकता है ना, हम लोग तो नहीं देख सकते, नेचुरल इंसान, एक नेचुरल ह्यूमन तो नहीं देख सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो बात हो रहा है, जो स्पीकर है वो भूत को देख सकते, ठीक है, इसका मतलब वो खुद एक क्या है, भूत है, राइट। और हम लोग को स्पीकर के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग स्पीकर क्या सोच रहे हैं, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो वो खुद है। ठीक है,
और वो खुद जो है किसका वेश धारण कर रखे हैं, घोस्ट का। ही इंडिकेटेड दैट द पर्सन व्हेन डैड लिव इन देयर प्लेस फॉर एवर। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना आपके घर में भी, मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है कि हाँ हम लोग का ऐसा रहता है कि जब 13वीं मनाया जाता है, हाँ 13 दिन होता है, हाँ तो हम लोग बोलते हैं ना कि या जब सोल जो है वो बाहर ही है या घर के अंदर ही है, 13 दिन के बाद वो जाता है, ऐसा हम लोग का थॉट्स रहता है ना। लेकिन यहाँ पर ये 13 दिन वैसा डेडलाइन नहीं रखा है पॉइंट ने। पॉइंट क्या बोलते हैं कि वो हमेशा जो भी मरता है वो घर में, ठीक है, तो ये घर में हमेशा उसका सोल रहता है। ठीक है, वो 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 300 साल हो गया, जितना भी पुराना हो, आपके दादा के दादा के दादा के दादा भी आपके घर में अभी रहते हैं। ठीक है, डरिएगा मत, राइट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बस बोल रहा हूँ जो पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आज सोओगे तो साइड में आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा सोते होंगे, हैं? तो वह डरिएगा मत, ठीक है। एंड थीम ऑफ दिस पोएम मूव्स अराउंड द वर्ड हार्मलेस। ठीक है, और यहाँ पर ये जो थीम है, ये पूरा जो स्टोरी है, मतलब पूरा जो पोएम है, वो किस पे बेस्ड है? हार्मलेस के ऊपर बेस्ड है, ये वर्ड के ऊपर ही ये पूरा पोएम लिखा गया है। ठीक है, हार्मलेस इज द मेन वर्ड। हाँ, तो ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आई होप एवरीवन इज राइटिंग नॉट ओनली लिसनिंग, क्लियर। तो योर कॉपी विल बी चेक्ड आफ्टर वर्ड्स, क्लियर। तो ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग अभी जो है स्टांजा वाइज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं। ओके, तो अभी से आप प्लीज जो है अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका पहला स्लाइड है, क्या है? ऑल हाउसेस वेर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरंड्स ग्लाइड विद फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर। ठीक है, तो ये पहला स्टैंजा है, राइट। और वहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑल हाउसेस वेर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड, मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो भी घर में, ठीक है, जो भी इंसान है वो सब क्या कर रहे हैं, वहीं पर जन्म ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पर रह रहे हैं और वहीं पर मरते भी हैं। ठीक है, ऑल हाउसेस वेर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड, ठीक है, तो वो जौन सा भी घर है जहां पर इंसान रहते थे और वहां पर इंसान क्या हुआ, अपना आखिरी सांस लिया, वो जो घर है उसको क्या बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। ठीक है, वो घर, राइट। हम लोग सुनते हैं ना, कहीं पर भी आप किसी ने सुसाइड कर लिया हो या कहीं पर भी किसी का डेथ हुआ हो, तो वो क्या होता है, थोड़ा डरावना जगह हो जाता है ना। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग नहीं जाते हैं रात के समय, ठीक है, वो डर जाते हैं कि ऐसा ऐसा है करके, राइट। तो वो हॉन्टेड वर्ड यूज करते हैं, हॉन्टेड मतलब क्या, ब्लेस्ड विद गॉड, ठीक है, भूत का उनका क्या है, ओके, ब्लेस्ड विद घोस्ट, राइट। यहाँ पर भूत का जो है बास है, राइट, वो जगह में भूत का बास है। आर हॉन्टेड प्लेस, थ्रू द ओपन डोर द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरंड्स ग्लाइड विद फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर। ठीक है, तो वो आते कैसे हैं, जो भी डोर खुला होता है, कभी भी डोर खुला रहता है, तो वो आपके घर के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, थ्रू दी ओपन डोर वो आपके घर में प्रवेश करते हैं, दी हार्मलेस फैंटम। ठीक है, फैंटम का मतलब यहाँ पर क्या है, भूत, घोस्ट। ठीक है, फैंटम का मतलब है घोस्ट, और वही जो है वो वैसे घोस्ट हैं, वैसे भूत हैं जो क्या है, हार्मलेस है। ठीक है, कभी किसी को जो है कष्ट नहीं देते, किसी को जो है दिक्कत नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो तुरंत जो है जैसे ही डोर ओपन होता है, शांति से वो आते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं, ऑन देयर इरेंड्स ग्लाइड। ठीक है, इरेंड का मतलब यहाँ पर क्या है, टास्क, और ग्लाइड का मतलब क्या है, वॉक वेरी स्मूथली। ठीक है, इसका मतलब वो बहुत ही आस्ते आस्ते, ठीक है, पता भी नहीं चलता है लोगों को कि जब वो घर में प्रवेश कर रहे हैं, घर कब जो है वो घर में, घर के अंदर आ रहे हैं, पता भी नहीं चलता है, वो बहुत ही स्मूथली, ठीक है, बहुत ही धीरे जो है चल चल के आपके घर के अंदर से, मतलब घर के अंदर आ जाते हैं, कौन, भूत। ठीक है,
वो वही चीज यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर, इतना धीरे चलते हैं कि उनके फीट के आवाज भी क्रिएट नहीं होता है फ्लोज में। हम लोग अक्सर बात चल के आते हैं तो एक एटलीस्ट साउंड होता है ना, हाँ, तो वो वैसा नहीं होता, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत धीरे से जो है आते हैं। कौन? भूत। वो जो है पहला स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा क्या है, देखिए, वी मीट देम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो इन पेबल इंप्रेशन ऑन द एयर अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पेलपेबल का वर्ड बताऊंगा मैं क्या है मीनिंग। यहाँ पर हम भूत को कहाँ कहाँ देखते हैं, पॉइंट वो चीज का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ देखते हैं हम? डोरवे में, ठीक, एंट्रेंस गेट के सामने, ओके, वो पास करते हैं, हम तो नहीं देख पाते, ठीक है। ऑन द स्टेयर्स भी भूत रहता है, उनका साया जो है स्टेयर में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलोंग दी पैसेजेस, ठीक है, मतलब कहीं पर भी रास्ता गली हो, ओके, आपके घर के अंदर दूसरे रूम जाने के लिए, डाइनिंग हॉल जाते वक्त, ठीक है, सब जगह में आप क्या करोगे, ये भूत को देखोगे। दे कम एंड गो, ठीक है, जैसे अपना ही घर समझते हैं वो, ओके, खेलते बोलते हैं, है कि नहीं, अपने ही घर के अंदर, राइट, आपके घर के अंदर भी खेलते घूमते होंगे, ठीक है, आपको पता नहीं चलता होगा क्योंकि उनका जो भी काम करते हैं वो बहुत स्मूथली करते हैं, ठीक है। तो आप खाते होंगे तो आपके साइड में बैठते होंगे, ठीक है, आपको नहीं पता चलता होगा, आपके ऊपर हाथ रख भी लेते होंगे तो आपको नहीं पता चलता होगा, ठीक है। तो इस तरीके का चीजें होता है रोज आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ जो पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। एज इम्पेलपेबल इंप्रेशन ऑन द एयर अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। इम्पेलपेबल का मतलब क्या होता है, जो हम फील नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको एहसास कर सकते हैं, ओके। वो फिजिकली हम लोग चीजों को फील नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ऐसा चीज है, हवा जैसे आ रहा है, ठीक है, जैसे आप मूवी देखते हो, ठीक है, तो मूवी देखने से वो क्या होता है, यहां से जाता है तो वो फील नहीं किया, लेकिन तुरंत मुड़ के देखता है ना कि हाँ क्या हुआ, क्या, कौन गया, वैसा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, इनपेलपेबल इंप्रेशन ऑन द एयर अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। तो ये हवा ही जो है हमें बताता है कि कुछ चीजें जो है हमारे आसपास क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें फिजिकली वो पता नहीं चल पा रहा है, हम फिजिकली तो देख नहीं पाएंगे भूत को, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है टाइप का, ठीक है। तो वो चीज जो है यहाँ पर पॉइंट कहना कहा चाहते हैं। कौन है पॉइंट? एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, ओके। नेक्स्ट, देर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रॉन्ग विद क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट एज साइलेंट एज अ पिक्चर्स ऑन द वॉल, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट द मीनिंग, अगर आप नहीं लिखते होगे तो मैं चेक करूंगा लेक्चर वन के बाद, ठीक है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, देर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट, हम जितना बुलाते हैं, सपोज आपको, आपने कितना, आपने बर्थडे पार्टी मना रहे हो, ठीक है, आप 5 दोस्तों को बुलाया है, लेकिन आपके जो है पार्टी में 5 दोस्त नहीं होते, कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन है वो 3? आपके पूर्वज, वो भी आते हैं अनइनवाइटेड, हाँ, वो क्यों, उनको क्या इनविटेशन का जरूरी है क्या, हाँ? घर तो उन्हीं का है, आप राज कर रहे हो उनके घर में, ठीक है, घर तो उनका ही है, वो छोड़ के गए हैं आपको, ठीक है, आप बस सिक्योरिटी गार्ड हो जो देखभाल कर रहे हो, ठीक है, घर तो उन्हीं का है, उन्होंने बनाया है, एक एक ईंट, है ना, एक एक ईंट डाल के उन्होंने जो है ये घर बनाया है। तो वही वो कहना चाहते हैं कि उनको बुलाने वाला हम कौन होते हैं, वो तो आएंगे ही, हाँ। तो टेबल में 4-5 लोग नहीं होके कितने लोग हैं, जितने आपने इनवाइट किया उससे ज्यादा लोग हैं, वो बोल रहे हैं देयर आर मोर गेस्ट एट टेबल। वो मोर गेस्ट मतलब रेफर्स टू व्हाट, घोस्ट, ओके, योर एंसेस्टर्स, राइट। देन द होस्ट इनवाइटेड द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रॉन्ग विद क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट,
ठीक है, वो आके जो है चीजों को क्या करते हैं, जगमगा देते हैं। ठीक है, इलिमिनेटेड का मतलब क्या, लाइटेड। ओके, चीजों में और चार चांद लगा दे, है ना। आप सोचते हो कि आपके दोस्त लोगों ने लगा रहे हैं वो चार चांद, लेकिन नहीं, दोस्त लोग नहीं लगा रहे। कौन लगा रहा है चार चांद? आपके पूर्वज लोग लगा रहे हैं। ठीक है, जो आपको, जो आपने इनवाइट ही नहीं किया है। तो पॉइंट का कहना वही है कि वो उनके आ जाने से, ठीक है, चीजें और ज्यादा क्या हो रहा है आपके लिए, और ज्यादा इलिमिनेटेड हो जा रहा है, राइट। और ज्यादा जो है बेहतर आप अपना पार्टी को मना सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लेसिंग बहुत जरूरी है और वो आपके साथ है, वो कहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग विथ क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट। अब वो आपको थोड़ी ना जो है कुछ ये करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, नहीं, वो तो आप ही के जो है रिलेटिव्स हैं, बेशक उनका डेथ हो गया है कोई कारण के वजह से, बट दे आर स्टिल विथ यू। ओके, दे आर स्टिल विथ यू। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, फील। ओके, भर देना मतलब। ओके, क्राउड, राइट। इतने सारे घोस्ट आपके ये में है, ऑब्वियसली बहुत सारे घोस्ट होंगे, दादा के दादा के दादा के दादा, चार पांच छह होंगे ना, है। तो वो सब जो है आ जा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ मिलके बर्थडे पार्टी मना रहे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विथ क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट, वो घोस्ट को क्या बोला गया है यहाँ पर, इन ऑफेंसिव। इन ऑफेंसिव का मतलब जो आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है। वो पूरा जो है क्या है, क्वाइट है, बहुत ज्यादा क्वाइट है। वो बस आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता है वो चीज कि वो हमारे साथ प्रेजेंट है करके, ठीक है। बस आपके साथ आते हैं और जो है खा पी के चले जाते हैं, चले जाते नहीं है, रहते हैं, वहीं रहते हैं, ठीक है, आप ही के घर में रहते हैं। एज साइलेंट एज अ पिक्चर्स ऑन दी वॉल, यहाँ पर जो है कंपेयर किया गया है, ठीक है। वो ऐसे घोस्ट हैं जो बिल्कुल इतना ज्यादा साइलेंट है जैसे कि वॉल में टंगा हुआ पिक्चर। हम लोग बोलते हैं दिस पिक्चर इज टू लाउड, मतलब क्या, बोल उठती है क्या दीवार, एशियन पेंट थोड़ी ना लगाया हमने। लाउड का मतलब यहाँ पर क्या है, वो बहुत सारा जो है मैसेज हम लोग को पास कर रहा है, ठीक है। व्हेन वी से दैट या दिस पोर्ट्रे या दिस इमेज इज टू लाउड, इसका कहने का मतलब वो बहुत सारा मैसेज हमें देना चाह रहा है। नॉर्मल एक पॉइंट, एक जो है इमेज आपने बनाया हुआ, वो इमेज बहुत ज्यादा आपको जो है मैसेज दे रहा है, तब हम लोग बोलते हैं टू लाउड, नहीं तो वो क्वाइट ही रहता है ना इमेज। तो यहाँ पर उसी के साथ जो है कंपेयर किया गया है घोस्ट को, ठीक है, कि घोस्ट भी आते हैं और जाते हैं और वो क्या है, एकदम से साइलेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके वॉल्स में लगे हुए पिक्चर। क्लियर? द स्ट्रेंजर्स एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर, ही बट परसीव्स व्हाट इज व्हाइल ऑन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है क्या, एक स्ट्रेंजर का, मतलब यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं कि मेरे साइड में एक स्ट्रेंजर, ठीक है, जिनका कोई नाम नहीं है, राइट। वो स्ट्रेंजर कौन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कौन वो स्ट्रेंजर, कौन हो सकते हैं, लिविंग, अभी जो वो घर में रह रहे हैं, वो भूतिया घर में जो अभी रह रहे हैं, वो भी स्ट्रेंजर हो सकते हैं, राइट। अभी आपके घर में सपोज आपके दादा परदादा लोगों हैं, राइट, तो वो दादा परदादा लोगों आ रखे हैं आपके घर में, तो आप उनके लिए क्या हो, एक स्ट्रेंजर जैसा हो, राइट। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, जो सॉलिड चीजें हैं वही आप देख पा रहे हो, राइट। आप इसके अलावा तो और कुछ नहीं देखोगे, आप सिर्फ जो आपके सॉलिड चीजें हैं वही आपको देख, आप देख पाओगे, आपके पास तो कोई सुपर नेचुरल पावर है नहीं। हाँ, तो वो जो है उसको क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर से जो है कंपैरिजन किया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर है मेरे साइड में, ठीक है, आप यूरोप के साइड में देखिएगा, बहुत जो है ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली जो घर होते हैं, घर में हमेशा से जो है थोड़ा बहुत फायर वो जलाए रहते हैं, ठीक है, एक ये वार्मनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है फायर साइड का मतलब यहाँ पर वही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं वो देख नहीं पा रहे, ठीक है, मतलब हम जैसे लोग जो अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम तो ये सब चीज नहीं देख पाएंगे जो भूत देख पाएगा। हाँ, तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्पीकर खुद जो है, देखिए यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पर कि जो स्पीकर है वो क्या है, वो एक भूत है, ठीक है। तब
तभी वो क्या कर पा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा एक सुपर नेचुरल पावर है जिससे मैं जो है सारे भूत को देख पा रहा हूँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रेंजर वो चीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंजर वो चीज नहीं सुन पा रहा है जो भूत बोलना चाह रहा है, ना ही वो चीज देख पा रहा है जो भूत को नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है द फॉर्म आई सी, यहाँ पर आई का मतलब क्या है, वही स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो स्पीकर है वो क्या है, भूत के फॉर्म में है। ठीक है, या फिर खुद ही एक भूत है। द फॉर्म आई सी नॉट हियर द साउंड आई हियर ही बट परसीव बॉडीज व्हाइल ऑन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। वो क्या है देख रहा है, परसीव मतलब ऑब्जर्व है ना, सी, वो क्या देख रहा है जो उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो और चीजें जो है देखना नहीं चाहता है, बहुत सारे ऐसे भी चीजें हो रहे हैं जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ही बट परसीव वॉट इज वाइल ऑन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। लेकिन स्पीकर बोल रहा है, लेकिन मैं, मेरे लिए सारे चीजें क्या हैं, विजिबल हैं और क्लियर हैं। ठीक है, उसके लिए वो चीज क्या है, इनविजिबल है। स्ट्रेंजर के लिए वो चीज इनविजिबल है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा पावर है नहीं। मैं भूत हूं तो मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, मेरे लिए सब चीज क्या है, विजिबल है और क्लियर है। तभी तो वो बोल पा रहे हैं कि हाँ देर आर मोर गेस्ट इन दी डाइनिंग टेबल, सब चीज देख पा रहे हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके टेबल में और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, जितना आपने बुलाया है उससे ज्यादा लोग हैं, राइट। तो वो इस तरीके से वो बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ही बट परसीव व्हाट इज व्हाइल ऑन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। तो यहाँ पर फॉर्म का मतलब वही है, शेप्स, और परसीव का मतलब क्या है, चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना। ठीक है, वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस आवर लैंड्स, ओनर एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डीड्स फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मॉटमेन स्टिल देयर ओल्ड स्टेट। ठीक है, बहुत भयानक लाइन लिखा हुआ है, आप समझ में, हमको समझना है, यहाँ पर आपको डर नहीं लगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको डर लगेगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही जो है डरावना लाइन लिखा हुआ है, बोलता है वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड, यहाँ पर भूत जो है बात कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे पास तो हमारे खुद के घर के क्या है, कागजात नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, हम बेशक वो घर हमारा है, हमने बनाया है, लेकिन अब तो हम चले गए हैं वो घर से, राइट। तो वो अब जो है हमारे पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो हमारे पास था। ठीक है, पहले वो घर हमारा ही था, हम ही थे मालिक, लेकिन अब हमारे पास हमारा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, हमारे पास कागजात भी नहीं है, और वो कागजात किसके पास है, उनके पोते के पोते के पोते के पोते के पास है ना, क्योंकि आजकल घर थोड़ी ना हर 10 साल में घर बनाया जाता है क्या, हर एक घर जो है क्या होता है, पुश्तैनी टाइप का होता है, एटलीस्ट 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर्स, जिसमें दो तीन जो है फैमिलीज रहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट दो, एक या दो जनरेशन, दो या तीन जनरेशन एक घर में तो रहता ही है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहे हैं, पहले के टाइम में, आजकल तो बहुत जो है फ्रीक्वेंटली घर भी बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पापा के पास पैसे का कमी नहीं है। पहले क्या होता था, 100 साल 200 साल जाता था एक एक घर, ठीक है, और घर हम लोग बनाते ही नहीं थे, राइट। पहले तो मजबूती से बनाया जाता था, आजकल क्या है, हम लोग फिर 10 साल बाद तोड़ेंगे बोल के ही बनाया जाता है, हाँ? राइट, क्योंकि आपको तब क्या होता है, ट्रेंड चाहिए होता है ना, हाँ? इंटीरियर भी, हाँ, आप ऐसा बनाइए, टूथ पॉलिश काम करिए, 5 साल बाद तो फिर तो हमें इंटीरियर चेंज करना ही है, कौन जो है ये इंटीरियर में 10 साल गुजारेगा, है ना। तो आप जो है जो 100 रुपए के प्लाईवुड होते हैं वो 50 रुपए का लगा दे यार, 5 साल बाद तो उखड़ के फेंकना ही है, कौन रहेगा ये नॉर्मल सा इंटीरियर में 10 साल, है 5 साल रह लिए बहुत है, फिर चेंज करेंगे, तो आपका जो है यूज एंड थ्रो वाला चीज आ गया है ना, सब चीज में, मैंने तो आपको घर का एग्जाम्पल दिया, बाकी चीज में भी यूज एंड थ्रो ही चल रहा है। तो वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर
डेट्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये जो ओनर है, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, ठीक है, पहले के जमाने में क्या थे, उनका था सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब इनके पास कुछ नहीं है, वो खाली बैठे हुए हैं। ओके, अब वो बोल रहे, देखो फ्रॉम ग्रेव, जहां पर उनको दफनाया गया है ना, वहां से अपना हाथ निकाल रहे, ठीक है, फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। ओके, जहां पर आप लोग दफना चुके हो, ये मुर्दा, ठीक है, ये मुर्दा क्या कर रहा है, अपना हाथ निकाल रहा है, ठीक है। तो जब वो हाथ निकाल रहा है तो ऑब्वियसली धूल से सना होगा उसका पूरा हाथ, क्योंकि आपने उसको जो है क्या कर दिया, दफना दिया। वहां से वो अपना हाथ निकाल रहा है और बोल रहा है, दे दे मेरे को मेरा टाइटल डीड, दे दे, ठीक है, मेरा लीगल डॉक्यूमेंट जो है मुझे दे दे, ठीक है, क्योंकि मैं जो है, जो चीज मेरा है वो मेरा है, टीचर ने मुझे शेयरिंग नहीं सिखाया करके वो बोल रहा है, कौन, जो मर चुका है, ठीक है। तो फ्रॉम ग्रेव फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड एंड होल्ड इन मॉटमेन स्टिल देयर ओल्ड स्टेट। मॉटमेन का मतलब क्या होता है, मॉटमेन का मतलब देखिए, जैसे कि आप सोच लीजिए चर्च, ओके, तो चर्च का जो प्रॉपर्टी है या फिर हमारे टेम्पल्स के जो प्रॉपर्टीज है, वो किसी के होते हैं क्या, नहीं होते। वो जो है ऐसा जगह है, ऐसा चीज है जो आप क्या कर सकते हो, किसी को दे नहीं सकते, राइट। अभी आप टेम्पल का मालिक कौन बोलोगे, ओहो वही है पुजारी, ठीक है, और पुजारी आज है कल नहीं है, हैं? बट स्टिल ये टेम्पल रन होने वाला है, टेम्पल किसी का नहीं होता है। वो आजकल बात अलग है, कोई कोई बिजनेस समझ लिया है, ठीक है, टेम्पल बना के दान दक्षिणा करवा रहा है, खाली जगह है तो चलो एक तो टेम्पल बना दो, है ऐसा हो रहा है दो चार जगह, ठीक है, खाली जगह है तो ठीक है, अभी तो कुछ प्लानिंग है नहीं हमारा घर वर बनाने का, एक तो मंदिर बना दो और एक तो मूर्ति रख दो, ओके, और इसमें पूजा आरंभ कर दो, ठीक है, ऑब्वियसली भक्त आ जाएंगे करके, ऐसा होता है ना। लेकिन वही चीज वो बोल रहे हैं कि अब टेम्पल हुआ या चर्च हुआ या मॉस्क हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप किसी को दे नहीं सकते, वो किसी का नहीं है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या है, सबका है, वो ऐसा चीज है नहीं दे सकते किसी को भी। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि ये मुर्दा लोग जो नहीं होते हैं, जो मर चुके होते हैं, वो अपना चीज किसी को देना नहीं चाह रहे, अपने बेटे अपने पोते को भी नहीं देना चाह रहे, ठीक है, वो अपने पास रखना चाह रहे, ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से पकड़ लूं बोल रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को, ओके, एंड होल्ड इन मॉटमेन स्टिल देयर ओल्ड स्टेट। ओल्ड स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर पुराने कागजात, ठीक है, ओल्ड स्टेट मतलब पुराने कागजात, पुराने प्रॉपर्टीज, वो किसी को नहीं देना चाह रहे, वो खुद ही जो है अपना मैं ही मालिक हूं करके बोलना चाह रहे, ठीक है, वो किसी पे जो है भरोसा नहीं कर रहे, ठीक, भरोसा नहीं रख रहे, और वो मुझे दे दीजिए बोल रहे, मैं ही जो है इसको होल्ड करके रखता हूँ, ठीक है, पकड़ के रखता हूँ, और वो किसी को देना नहीं चाह रहे अपना प्रॉपर्टी, इसीलिए वो जो है ग्रेव से जो है इतना खुशी हो जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, इतना खुश हो जा रहे हैं जो ग्रेव से आ जा रहे हैं, ठीक है, अपना हाथ जो है फैला रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं, स्ट्रेच मतलब स्प्रेड करना, ओके, मुझे ये कागजात दे दो करके, राइट। यही था ना नेक्स्ट, हाँ, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट लाइक एन एटमोस्फियर एंड एवरीवेयर वॉक थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर इथेरियल एयर। तो यहां पर वो बोल रहे हैं द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस, तो यहां पर जो वर्ल्ड ऑफ सेंस का बात हो रहा है, ये रियल वर्ल्ड इसमें हम लोग रह रहे, और वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट या फिर स्पिरिट वर्ल्ड जो बोला जा रहा है वो क्या है, भूतों का संसार है ना, जहां पर भूत लोग रहते हैं, राइट। अभी जैसे आपका भगवान आपका जो है मौत नहीं लिखा है और आपका मौत हो जाता है, ठीक है, जैसे सुसाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सुसाइड, ओके, तो ये जो है आपका मौत नहीं है ना पापा, वहां तो आप जबरदस्ती टंग गए, हैं, कोई फैन में या कोई शावर में या कहीं कोई, ठीक है, राइट, तो नहीं हुआ था, ठीक है,
ओके राइट। तो जनरली क्या है, वही वो कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट में आप चले जाते हो, ठीक है, जब आपका मौत जो है गॉड डिसाइड नहीं करते हैं, तो गॉड तो आपको नहीं लेंगे, हाँ, तब आप कहाँ चले जाओगे, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट में, ठीक है, घूमोगे इधर उधर, ठीक है, राइट। और कोई जो है आपका आदर अनादर नहीं करेगा, ठीक है, आप क्या करोगे, बस जो है घूमते रहोगे, ओके। तब आप सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि हाँ हम मर जाएंगे तो हम लोग ये दुनिया से जो है मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है, आप अपने को और ज्यादा कष्ट दोगे, ठीक है, सुसाइड कर लेने से क्या बच जाओगे क्या, आपके जितने भी टेंशन हैं, आपके जितने भी जो है आपके ऊपर प्रेशर दिया गया है, वो आप सोच रहे हो कि क्या हम लोग सुसाइड कर लेंगे तो यार वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दी पेन, वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दी प्रेशर, नो, यू विल बी एंटरिंग टू दिस वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, ठीक है, वहां पर एटलीस्ट आपको लोग जो है पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, आपको खाने पीने को दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर तो वैसा भी नहीं है, तब आपका जो है प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप ये प्रॉब्लम को जो जो है भाग रहे हो, ये प्रॉब्लम से भाग के आप सुसाइड करते हो, ठीक है, सुसाइड करने के बाद भी आपको जो है भगवान लेके नहीं जाता है, ठीक है, यही नीचे ही भटकते रहते हो इधर उधर, ठीक है, 1 2 का 4, 2 4 का 1 करते रहते हो, है? तो यही चीज है, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट लाइक एन एटमोस्फेयर एंड एवरीवेयर वॉफ थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि आप चले जा रहे हो स्पिरिट वर्ल्ड में, लेकिन आपका जो है आत्मा भटक रहा है ना, आत्मा आपको आपका आत्मा शांति नहीं है, ठीक है, आपका आत्मा जो है भटक रहा है, वो कभी क्या कर रहा है, फ्लोट लाइक एन एटमोस्फियर एंड एवरीवेयर, मतलब एटमोस्फियर में जैसे एयर फ्लोट करता है ना इधर उधर, हाँ, वैसे आपका आत्मा भी इधर उधर जा रहा है, ठीक है, वॉफ्ट थ्रू दिस अर्थली मिस्ट, ठीक है, वॉफ्ट मतलब क्या, पास होना, ओके, गुजरना, राइट, स्मूथली, जैसे किसी को पता ही ना चले, ठीक है, अर्थली मिस्ट, मिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, आप देखना, एक छोटा सा डिफरेंस है मिस्ट और फॉग में, दोनों अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों एक जैसा है, क्या मतलब, दोनों अलग है और दोनों एक जैसा है, ठीक है, मिस्ट और फॉग, इसका कहने का मतलब फॉग जो है थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, मिस्ट जो है इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, डेंजरियस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ठीक है, फॉग जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो आपको सामने का कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, और मिस्ट मतलब क्या होता है, जो आप गाड़ी में चलते रहते हो, गाड़ी के जो ये होते हैं राइट, क्या बोलते हैं उसको, वाइपर्स, हैं, वो जो है आप वाइप करते रहते हो, ठीक है, और आप आगे चलते रहते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, फॉग में आप ऐसे आगे जा ही नहीं सकते, आप रुक जाओगे एक टाइम में, ठीक है, अब आप और आगे नहीं जा सकते, मतलब आपको सब चीज क्या होगा, इनविजिबल ही दिखने वाला, आप इसके थ्रू जा ही नहीं सकते, और अगर जा रहे हो तो हाँ माउंटेन ड्यू आपने पिया हुआ है, ठीक है, माउंटेन ड्यू पिया हुआ है, नहीं, तो वही चीज है, मतलब फॉग और मिस्ट में यही डिफरेंस है, मिस्ट का जो विजिबिलिटी एरिया होता है, आप देखना वेदर आप पढ़े होगे, ठीक है, या आपके मोबाइल में वेदर्स होता है, तो वेदर्स में यहाँ पर नीचे लिखा होता है क्लियर अप टू, ठीक है, क्लियर अप टू लिखा होता है, क्लियर अप टू, तो मिस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर अप टू क्या होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन फॉग में क्या हो जाता है, अराउंड 6 7 किलोमीटर, राइट, मतलब उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है फॉग में, मिस्ट क्या है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद क्लियर हो जाएगा चीजें, लेकिन फॉग क्या है, 6 7 किलोमीटर तक आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, ठीक है, तो मिस्ट जो है आप जो सुबह उठ के देखते हो यहाँ पर, ठीक है, विंटर वेकेशन विंटर सीजन में वो क्या होता है, मिस्ट होता है, राइट, फॉग अलग बात होता है, सामने रहेगा वो दिखेगा ही नहीं, टकरा जाओगे आगे जाओगे तो, और हाँ वैसा होता है फॉग, ठीक है, मिस्ट में हम चीजें देख पाते हैं, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, देखिए, वॉफ थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस, वेपर डेंस मतलब वही है, ठीक है, जो धुआं वेपर जो ऊपर होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है ना, हाँ? बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा तब भी आप एक दूसरे को क्या देख पाओगे, थोड़ा हल्का हल्का देख पाते होगे नहीं,
तो वहीं पर वही जो है वेपर डेंस, वही मिस्ट से क्या होता है, वो घोस्ट स्मूथली निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर इथेरियल एयर, ठीक है, वाइटल का मतलब यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ब्रेथ ऑफ मोर इथेरियल एयर, तब आपको क्या है, एक सिलेशियल एयर, मतलब बहुत ही जो है पवित्र एयर जो है आपके साइड से गुजर रहा है, राइट, तब एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्या है, सिलेशियल हो चुका है, सिलेशियल मतलब बहुत ही ज्यादा पवित्र हो चुका है, राइट। अभी आप जो भी आप अपने काम करते हो, राइट, अपने पूर्वजों को याद करते हो, तो दे आर ट्रीटेड एज गॉड, राइट। पूर्वजों को आप कैसे ट्रीट करते हो, एक गॉड के जैसे ही ट्रीट करते हो ना, वैसे गॉड के साथ नहीं रखते हो, लेकिन वही गॉड के साइड में ही रहते हैं वो भी। जब भी आप कोई चीज का स्टार्ट करते हो, आप याद करते हो कि नहीं, भगवान के साथ साथ, बेशक आप पहला नाम भगवान का लेते हो, फिर दूसरा आपके पूर्वजों का नाम लेते हो कि नहीं, तो वही चीज है, मतलब वो बहुत चीजें चीजें क्या है, धार्मिक है, चीजें जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, सेलेस्टियल है, इसलिए तो आप ले रहे हो। तो वही चीज यहाँ पर वो बोल रहे हैं, ठीक है। कौन पॉइंट, क्या नाम है, HW लॉन्ग फेलो, ठीक है, शॉर्ट फेलो क्यों नहीं, लॉन्ग फेलो, ठीक है। आवर लिटिल लाइव आर केप्ट इन इक्विपॉइज बाय ओपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर, द स्ट्रगल्स ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या, देखिए बहुत जो है मीनिंग है ये चार लाइन का, आर लिटिल लाइव्स, लिटिल लाइव्स यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, पॉइंट, लिटिल लाइव्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो है जिंदा है, हम रह रहे हैं कितना, 50-60, आजकल तो एवरेज ह्यूमन लाइफ कितना हो चुका है, 60 ईयर्स, पहले था 90 ईयर्स, 80 ईयर्स, अब कम होते जा रहा है आपके लक्षण के वजह से, है ना, 60 ईयर्स हो चुका है, क्योंकि आपको अब क्या करना है, फैक्ट्री बनाना है, पेड़ काटना है, तो ये सब के वजह से ही चीजें डिक्लाइन होते जा रहे हैं, बहुत लालच आ चुका है आपके मन में, ठीक है, तेल घी जो है सब मिलावट बेचना, लोग जल्दी कट जा रहे हैं दुनिया से, हैं 80 के जगह 60 में कट जा रहे हैं, हैं। तो जनरली हमारा एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन कितना हो चुका है, 60 ईयर्स हो चुका है, लेकिन ये जो हमारे घोष्ट लोगों ने, दादा दादा लोगों, ठीक है, दादा के दादा, दादा के दादा, हैं, वो लोग तो जिंदा है, कितना साल हो चुका है उनको जिंदा है, 300 साल, 400 साल हो चुका है, इमोर्टल होते हैं ना सोल्स लोगों, तो हैं कभी नहीं मरने वाले सोल्स क्या होते हैं, इमोर्टल्स रहते हैं, हैं। तो वही चीज वहां पर वो बोल रहे हैं, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारा लाइफ क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो आवर लिटिल लाइफ, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, लिटिल लाइफ, ठीक है, आर केप्ट इन इक्विपॉइस, इक्विपॉइस का मतलब यहाँ पर बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ ओपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर, ये वर्ड जो है बहुत खतरनाक चीज है ना, इसी पे जो है पूरा दुनिया चलता है, डिजायर में, अगर लोगों का डिजायर ना होना, ठीक है, तो क्या मतलब है 1,000 करोड़ का शादी करना, है कि नहीं, है, डिजायर था तभी तो उसने किया है, तो बाय ओपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर, इसका कहने का मतलब हम चीजें इतना ज्यादा जो है, हम लोग इतना सोशल मीडिया फ्रीक हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग को दिखावा जरूरी है ना, अगर हम लोग अपना जिंदगी जिए, ठीक है, हमारे जो वॉन्ट्स हैं, हमारे जो नीड है वो थोड़ा कम कर दे, तो कितना चीजें जो है, कितना काम एंड कंपोज रहेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको तो ये चीज नहीं है ना, अभी आप देखिए आप कितने अच्छे हो, आप सभी का पैर है, सभी का हाथ है, वही भगवान आपको बहुत कुछ दे दिया, राइट, तब भी आप क्यों मांग रहे हो, दिल मांगी मोर क्यों कर रहे हो, हाँ? आप कहीं जाओ, हाँ, हैंडीकैप के जगह में, वहां पर लोग जो है क्या है, बिना पैर के हैं, बिना हाथ के, उनका लाइफ कितना ज्यादा मिजरेबल होगा, आप सोच सकते हो, आप बोलते हो ना भगवान मोते का सबूत दुख दीजिए, हाँ? तो वो सबूत दुख नहीं मिला है आपको, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जहां पर बहुत सारा दुख है उन लोगों का लाइफ में, ठीक है, आपका लाइफ तो बहुत अच्छा है, राइट, लेकिन आपका डिजायर ही जो है आपको क्या करता है, सैड बनाता है, ठीक है, आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो नीड है, ठीक है, हाँ, गाड़ी मिल गया, हाँ मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर मिल गया मुझे, अब जो है फ्लैट
जो है कार चाहिए, ठीक है, अब टेस्ला बना रहे हैं फ्लाइंग कार, ओके वो चाहिए, अब ये मिल जाए मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, ठीक, प्राइवेट जेट के लिए मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, घर में जो है छत के ऊपर लैंड करवाऊंगा मैं, है? तो आपके डिजायर जो है क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आपके डिजायर जो है बढ़ते जाते हैं इस कारण, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सैड हो, ठीक है, इसी के कारण आप बहुत ज्यादा सैड हो, नहीं तो आपका सैड होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है, डिजायर्स के लोग पीछे जो है बहुत भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही जो है क्या है हमारा लाइफ को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, पॉइंट का कहना यही है, पहले जो है आपको क्या कर रहे हैं, गाली दे दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि आपका लाइफ उसी के लिए क्या है, बैलेंस है, ओके, मतलब कौन जो है जनरली द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉय एंड द मोर नॉबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर, इंस्टिंक्ट मतलब वन बिहेवियर फ्रॉम चाइल्डहुड, जो आपको नेचुरली जो आपका है अंदर, ठीक है, राइट, अभी आपका नेचर है, सोच लो कि मुझे चुरा के खाना है, ठीक है, तो ये आपका नेचर है, हैं? ये बदला नहीं जा सकता अभी, हैं? चुरा के खाना है तो ये आपका नेचर है, राइट, अभी आपका जो है अंदर से एक नेचर है कि मुझे हेल्प करना, ठीक है, तो ये आपका नेचर रहेगा ही पूरा सब टाइम के लिए कि हाँ मुझे लोगों को हेल्प करना है, जैसे कि मैं करता हूँ, है ना, पढ़ा के आपको मनुष्य बना रहा हूँ, अभी तो जानवर हो आप, तो द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉय एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर, तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर पॉइंट यही बोल रहे हैं कि किसी का आदत है छीन के खाने का, किसी का आदत है क्या है लोगों का मदद करना, किसी का आदत है, कोई कोई लोग जो है दूसरे को कष्ट में देख के खुश होते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे भी लोग हैं साइकोपैथ बोलते हैं उनको, ठीक है, जो अंदर उनको खुशी होता है जब सामने वाला दुख हो तो, ठीक है, और कोई चीज जो है दुख देखा नहीं जाता है कोई लोगों को, ठीक है, कोई लोगों को जो है सामने वाले का दुख देखा नहीं जाता है, तो वो खुद जो है दुख हो जाता है, ठीक है, वो खुद दुखी हो जाता है उनका दुख देख के, तो वही सब चीज जो है मतलब भगवान ने सभी ऐसे क्रिएचर्स हमारे अर्थ में रख रखे हैं जिसके वजह से हमारे अर्थ में क्या है एक बैलेंस मेंटेन है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहुत ही खराब हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन तब भी आप उनको एंटरटेन करते हो, राइट, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं तब भी आप उनको क्या करते हो इग्नोर करते हो दूर कर देते हो, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल आपके दोस्त, एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर, ठीक है, तो वही चीज वो बोल रहे हैं, दोस्त का मतलब दोस्त हमेशा क्या होते हैं इग्नोर के लायक होते हैं ना, लेकिन आप उनको क्या करते हो हमेशा वेलकम करते हो, राइट, वही हमारे जो है कर्तव्य धर्ता है, ठीक है, हैं? वही हमारे जो है रोल मॉडल है, राइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये दोस्त के वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड हमेशा क्या होता है क्रैब मेंटालिटी माइंड होता है, क्रैब मेंटालिटी मतलब पता है आपको, हाँ, एक केकड़ा चढ़ता रहता है, ये सोच लो एक केकड़ा है, ठीक है, वो चल रहा है, ओके, तो दूसरा केकड़ा क्या करता है, वो चलने पे ध्यान नहीं देता, उसका पैर खींचने में ध्यान रहता है उसका, ठीक है, तो सारे के सारे दोस्त ऐसे होते हैं, हाँ, उनका काम जो है चढ़ना नहीं होता है, साइड में वो चढ़ सकते हैं, अच्छा से स्पेस दिया हुआ है, चढ़ना नहीं है, ये बंदा चढ़ रहा है तो उसका पैर खींचना उसका आदत रहता है, मैं तो चढ़ूंगा नहीं तुझे भी चढ़ने दूंगा नहीं, ठीक है, वही क्रैब मेंटालिटी होता है, दिस परटर्बेशन, ठीक है, परटर्बेशन, दिस परपेचुअल जार ऑफ अर्थली वॉन्ट एंड एस्पिरेशन हाई कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार एंड अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, ठीक है, तो यहाँ पर परटर्बेशन का मतलब क्या है, मेंटल डिस्टरबेंस, ओके, मेंटल डिस्टरबेंस, आपको जो है जो बहुत ज्यादा जो है लोग क्या है डिजायर्ड होते हैं ना, बहुत ज्यादा डिजायर डिजायरिंग पर्सन टाइप के, ठीक है, वो क्या होते हैं मेंटली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि उनको जो है जो चीज चाहिए उनको ठीक समय पे मिल नहीं रहा है, राइट, तो वो जो है पागल बौखला जाते हैं, है? कि मुझे जो है चीजें मिल नहीं रहा है, मैं जो है ज्यादा ये नहीं हो पा रहा हूँ, रिच नहीं हो पा रहा हूँ, राइट, तो इसके वजह से दिस परपेचुअल जार, ये जो परपेचुअल जार यहाँ पर है ना, देखिए ध्यान से सुनिए, ये परपेचुअल जार का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, इमोर्टल सोल का बात हो रहा है यहाँ पर, इमोर्टल सोल का,
तो ये एक जो है बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या फिगर ऑफ स्पीच है। ऑफ अर्थली वॉन्ट एंड एस्पिरेशन हाई, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि देश ने मुझे ये नहीं दिया, देश ने मुझे वो नहीं दिया, ठीक है, रोड कैसा बनाया है, ठीक है, चलने नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना रुपया ले रहे हैं हमसे टैक्स, ठीक है, तब भी रोड नहीं बना पा रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों का ऐसा कंप्लेन रहता है, ठीक है, और कुछ लोगों क्या होते हैं, उनका एस्पिरेशन रहता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग को कुछ करना चाहिए देश के लिए, लेकिन आप कर क्या रहे हो, बैठ खाली खा रहे हो, है ना, पढ़ भी रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, है, पढ़ते भी तो कुछ करते हैं देश के लिए, ठीक है, वो भी आपसे हो नहीं रहा है, आप सिर्फ जो है एक बोनस हो, ओके, अर्थ में, ठीक है, अर्थ में सिर्फ एक बोनस हो आप और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपके जो सोल्जर्स, यहाँ पर बात सोच लीजिए, सोल्जर्स का एग्जांपल ले लीजिए, सोल्जर्स वो क्या होते हैं, उनका हमेशा से एस्पिरेशंस क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है, हमेशा से उनका एस्पिरेशन हाई होता है, ठीक है, अर्थली वांटेड एस्पिरेशन इज वेरी हाई, दे वांट टू क्या, डेडिकेट देयर होल लाइफ टू नेशन, ठीक है, उनको जो है कुछ और दिखता ही नहीं, वो जो है देश के लिए क्या हो जाते हैं, मर मिटने के लिए रेडी है। अगर आप उनके सामने रख दीजिए, हाँ, उनका खुद का बेटा रख दीजिए और देश रख दीजिए, तो वो किसको चुनेंगे, देश को चुनते हैं, ठीक है, अपना बेटा को वो नहीं चुनते हैं, ठीक है। सोल्जर्स वैसे होते हैं, दे आर हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड देयर नेशन, दे डोंट केयर अबाउट देयर फैमिलीज, राइट, उनके एस्पिरेशन उतने ज्यादा हाई होते हैं। तो उन जैसे लोगों का जो है बात हो रहा है, ठीक है, आपकी जो डिजायर भी कुछ इस प्रकार ही है, पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे सोल्जर्स को मैंने दे दिया ना एग्जाम्पल, वैसे आपके डिजायर्स भी हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, राइट, उनके सामने, मतलब आपके डिजायर के सामने कुछ नहीं चलने वाला टाइप के। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार, वो चीजें कहाँ से आ रहा है, एक बहुत ही दूर से आ रहा है, ठीक है, जो आपने देखा ही नहीं है। ओके, कम फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार एंड अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर, ठीक है, एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आर स्काई। वैसे तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, आठ है ना, भूल गए क्या, वो भी है, चार इनर प्लैनेट्स और चार आउटर प्लैनेट्स, राइट, तो ये आठ प्लैनेट्स से नहीं है ये लोग, ओके, राइट, ये चीजें कहाँ से आता है, एक अलग ही प्लैनेट से आ रहा है जो हमें पता ही नहीं है, जो डिस्कवरी नहीं किया गया है, साइंटिस्ट अब तो प्लूटो को भी नहीं कर पा रहे हैं, ओके, नहीं तो प्लूटो के पास सारा चीजें हैं प्लैनेट बनने के लिए, सारे खूबियां हैं, लेकिन अब तक नहीं बनाया वो भी, ठीक है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट के लिए जाना जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट की तरह जाना जाता है प्लूटो, है ना, तो वो चीजें, वो सारी चीजें कहाँ से आ रहा है, एक बहुत ही जो है अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, मतलब वो बहुत ही अनसीन जगह से आ रहा है, ठीक है, जो हमने कभी देखा ही नहीं है, वहां से वो सारे वाइब्स आ रहे हैं, एस्पिरेशंस आ रहे हैं, ठीक है, अनडिस्कवर्ड प्लैनेट से आ रहे हैं, क्लियर है। तो जो है फिर हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट टू में पढ़ते हैं, ओके, ये पार्ट वन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है, पार्ट टू में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पार्ट टू में हम लोग और भी, वैसे तो और दो पैराग्राफ हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है, क्लियर, तो ये पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे, अभी के लिए थैंक यू।